भाई मैंने रखा था फास्ट बिना सहरी के रखा था मैंने। भाई जिनको नहीं पता रात में हम लोग खा सकते हैं, मैंने रात में भी नहीं खाया भाई। पूरा दिन फट रही थी मेरी, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी मुझे। मुझे अभी भी बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करूंगा। अरे हाँ लगाऊंगा ना मीम, खाना खाने दे, पेट की भूख को महफूज करने दे पहले। हाँ भाई क्या ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है भाई? मैकडॉनल्ड्स वाले वो नहीं करते क्या यार? मैकग्रिल हुआ करता था, बंद कर दिया शायद उन्होंने, मेरा फेवरेट बर्गर था वो। जहाँ पर मैं जयपुर में हूँ वहाँ पर तो हुआ करता था भाई, यहाँ पर है ही नहीं मैकग्रिल। Yeah, I think I'm just gonna play it safe and order Subway. My favorite place, Maland. 6 inches या foot long, मेरा मुंह भर जाता है 6 inch में। तुम्हें उससे ज़्यादा चाहिए तो ले लो। Plain bread with cheese slice, plain bread with भाई cheese किसको नहीं पसंद? Long white sticky stuff, get it in my mouth. Onions, अबे खीरा कौन डालता है मुंह में? My guy, Akash Pal, AKA Bihar Boy, has dropped a banger. सबसे पहले वही देखेंगे। Welcome to Uttar Pradesh, main hua neta from Patni Gali, land of the gangsters filled with boomers and suburbs. Haath pe haath rakh ke karta hu main grip check. भाई मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स है, मेरे पास इस बंदे का फोन नंबर है, इसने मुझे अपना फोन नंबर दे रखा है। मैंने सोचा था भाई जब मुझे KSI का फोन नंबर मिल गया था आई हैव पीक्ड, बट नहीं, इस बंदे का फोन नंबर मिल चुका है मुझे। नेक्स्ट स्टॉप नरेंद्र मोदी। भोजन झूठ, अबे झूठ क्या भोसड़ी के, इंस्टाग्राम देख ले मेरा, फॉलो करता ही है मुझे। शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रेस चेक, खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले पोज में, नेता बनता सबको खुली धमकी देता, पर एक रैप के मैं हूँ मैं पैंट में हग देता, खुली धमकी देता हूँ तुम मिल प्ले ग्राउंड में अभी पे। KSI का नंबर दिखा नहीं दिखा रहा। Welcome to Uttar Pradesh, this is gangsters clan. भाई मैं ना अपनी मम्मी को भेजूंगा ये सॉन्ग, मेरी मम्मी यूपी से है, उत्तर प्रदेश, शी रैप्स उत्तर प्रदेश। जब बचपन में वो नहीं होता सारे मतलब फैमिली वाले कैप करते हैं, पूरी कहानियां सुनाएंगे, बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे हम 7 समंदर पार करके जाते थे स्कूल, तो मेरी मम्मी भी सुनाती थी कि हमारे गलियों में भाई छोटी छोटी चीजों पे कलेश हो जाता था, तलवारें निकल जाती थी, बट द डिफरेंस इज शी वाजंट कैपिंग, बल्कि वो डाउन प्ले कर रही थी। एंड भाई लोग बोलते हैं मुंबई के हुड्स आर द मोस्ट डेंजरस, यूपी का नाइसेस्ट पर्सन इज मोर गुंडा देन द बिगेस्ट गुंडा इन मुंबई। यू नो वेयर द फक इट इज हाउ कैसा है, और इस बंदे का नंबर तो मिल गया पर कभी श्रेय का नंबर नहीं ले पाया। उत्तर प्रदेश हाँ भाई, मोस्ट डेवलप्ड रोड ऑफ उत्तर प्रदेश दिखा दी इसने। उत्तर प्रदेश गुंडा कर दी के नाम से जाने हमको पूरा देश। भाई यूपी में बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं, यूपी में गांजा खुद को बेचता है, यूपी का नाम यूपी है, क्योंकि अगर तुम्हारी गलती से भी यूपी के बंदे से लड़ाई हो गई ना द ओनली वे इज अप, कट आएगा सीधा तुम्हारे मुंह पर। अरे आज मैं पर्दे खोलना भूल गया यार, शिट शिट, चांद दिख रहा, चांद मेरा चांद तो चला गया। नॉन डिसऑनेस्ट बॉम्बशेल रिव्यू, चाइल्डहुड क्रश ब्रो, अनादि और अरे क्या नाम था उस मूवी का, मेंतिरास वाय गोरदास ऐसा कुछ नाम था भाई उसका, वॉशरूम वाला सीन, या शी इज क्लियर, और वो नॉक नॉक वाली मूवी कियानो रीव्स की। इट्स द बिगेस्ट पीस ऑफ डॉग शिट, ओवररेटेड एज फक इन माय ओपिनियन, आई मीन ओह माय गॉड, स्कारलेट जॉनसन तो डब्लू है भाई, स्कारलेट जॉनसन तो एवेंजर्स 1 देखते ही प्यार हो गया था। It was perfect. Perfect. Yeah, boy. That's what I'm talking about. That's why he's giving me pain. That's why she's the goat. The goat. बट भाई बेस्ट तो ये है चाइल्डहुड क्रश भाई, लिटरली 10/10 स्मैश, स्मैश फॉर रियल, बाय फार द हॉटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। कितने सपने आ चुके हैं इसके साथ भाई, इतने सपने आ चुके, क्या क्या नहीं किया इसके साथ सपनों में। एमा वॉटसन भी अच्छी है आई गेस, पाकिस्तानी है। मैं चला पाकिस्तान आटा बाजरा गेहूं मैदा लोहा लहसुन लेके, और मैं खोलूंगा वहाँ पे किराने की दुकान, और वहाँ पे बेचूंगा आशीर्वाद आटा, शॉप का नाम मुल्ली मैग्नेट। फिर देखना इतनी सारी चीक्स आएंगी ना, का ऐड क्या है, इसका ऐड क्या है, साइंस पर्पसेस के लिए ऐड क्या है, आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यू डिलिजेंस। ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ जाओ, कश्मीर ले लो पर इसको दे जाओ, ओके ओके, डिवाइडेड बाय नेशन यूनाइटेड बाय ठरक। ओ अच्छा ये उसके बारे में क्या, रेलवे स्टेशन भाई, उसने अपना मकसद पूरा कर दिया और वो निकल गया, माफ
कर लिटरली पुट पटना ऑन द ग्लोबल मैप. अब वो दूर पहाड़ों में अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहा. डूड केम एंड कॉन्कर्ड एंड लेफ्ट. जेल में है. वेल देन स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सेल्वेशन. लाइफ में आगे क्या प्लान है? This is not funny, bro. What if he sees this? This meme is dead. Dark meme नहीं है यार. Dark meme कैसे? This is about becoming Dhoni. Dhoni बनने जा रहा हूँ, फिर retirement ले लूँगा. Rest in peace, Sushant. For real. ये है दिल्ली का लीस्ट बदमाश छोरा. अभी सही कहा, खाने से पहले पूजा करनी चाहिए. Motherfucker literally took ass worship seriously. Not this guy again. भाई ये बंदा मुझे जेल भिजवाएगा. इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जिस दिन पुलिस को मिल गया ना ये अंदर और एक बॉटल इसके अंदर, what is he gonna say now? भाई तुम लोगों की फेवरेट टॉन्स साबरी है वो जरा सी. इसकी रील्स में नोलन की मूवी से ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट होते हैं. भाई अगर माँ सबसे बड़ी योद्धा है तो तेरे बाप से रोज मार क्यों खाती है? Bro, we are 10 seconds in and this guy has already covered porn, Delhi का recent dog scandal, respecting women and domestic violence. सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये सब कवर हो चुका है और मुझे पता है अब मेकआउट आने वाला है. सुबह के ख्वाब से उड़ाई है पलकों के नीचे छुपा था, मेकआउट आने वाला है. ककोड़िया जी मुझे भी चुम्मा दो ना, मेरे भी होंठ गीले करो. He follows you on Instagram, I know. Already 2 W's. Bihar boy मुझे follow करता है, ककोड़िया साहब मुझे follow करता है, KSI भी मुझे follow करता है. भाई तरक्की देख रहे हो तुम? Our movie. अबे Oscar उनका award है यार. Oscar उन लोगों का award है. हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम? वो foreign film में जाएंगी, जैसे कि अगर वहाँ English film यहाँ पर आती हैं हमारे award में, तो ऐसे foreign film आएंगी तो Oscar से जाने का मतलब ही नहीं. मैं तो कभी पलट के ना देखूँ Oscars को. हाँ हमको तो भाई सिर्फ विमल पान मसाला अवार्ड से मतलब है. आई मीन ये थोड़ा कोपियम है, लेट्स बी ऑनेस्ट. ऑस्कर को तुम कितना भी डिस्क्रेडिट कर लो, गेटिंग एन ऑस्कर स्टिल अ ह्यूज अचीवमेंट. एंड जहाँ तक बात रही कि सिर्फ US मूवीज को अवार्ड मिलते हैं ऑस्कर में, तो वो तो बिल्कुल इनएक्यूरेट है. भाई अभी कुछ साल पहले ही तो ऑस्कर में उसको अवार्ड मिला था कोरियन मूवी को पैरासाइट, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ लास्ट डेकेड. अगर तुमने पैरासाइट नहीं देखी ना, तुम पैरासाइट देखो एक बार, इट्स नॉट अ US मूवी. एंड इंडिया में भी भाई काफी सारी मूवीज आई है जो की यू कुड आर्ग्यू डिजर्व्ड एन ऑस्कर नॉमिनेशन. आई थिंक लंच बॉक्स इज अ रीसेंट एग्जाम्पल. माई नेम इज खान वॉज वेरी गुड. बट बात वही है ना कि अब सब लोग OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं, तो जो भी सिंपल बेसिक मूवीज होंगी विद गुड स्टोरी टेलिंग वो सब OTT पर ही आएंगे. अब फिल्म मेकर्स होते हैं, दे आर ऑब्वियसली गोना मेक मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र, जो लाइक मसाला टाइप की मूवीज होती है, ताकि तुम लोग जाके सिनेमा में देखो. तुम कुछ भी कह लो यार, ऑस्कर इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड शोज इन फिल्म इंडस्ट्री बाय अ ह्यूज मार्जिन. तुम कितना भी ट्रोल कर लो भाई RRR को, इट हैज डन समथिंग ह्यूज फॉर इंडिया. अब लोग बाहर के लोग देख रहे हैं इंडिया के कल्चर को. टॉम का तुम कितना ही मजाक उड़ा लो, बट मूवी वॉज रियली गुड. और इसीलिए अभी जनता की अदालत से पहले ये वोट डालकर निकले हैं. बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह. पूजा अर्चना. Allow it, he just used a wrong emote. This is like an average politician saying fuck you to everyone after getting. Okay, मैं politics पर कुछ नहीं बोलना चाहिए मुझे. Let's just ignore what I said. ये बंदा मजे ले रहा है. अगर ये भी कंप्लेंट करता तो I'm pretty sure इन लड़कियों पर भी कोई एक्शन लिया जाता. बट ठीक है भाई, मैं डैंग का चुका हूं, मैं तो ठीक है, नाइंसाफी यही है. अबॉर्शन ऑपरेशन. ओए मेरा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. हेलो, हाँ भेज दीजिए. खाना आ गया. रशियन आ गई क्या? कौन सा पहली बार आया है? तुम पूरा दिन फास्ट करो ना, जब तुम्हें पता चलेगा भूख में खाने की कितनी अहमियत होती है. गाइज वी हैव द स्नैक. पहले मीम्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ठूसूंगा अपने मुंह में. योर अबॉर्शन ऑपरेशन. अबे ये बोल रहा था मैं, अबॉर्शन ऑपरेशन थोड़ी होता है, सिर्फ अबॉर्शन होता है. क्या सीधा डायरेक्ट जाहिली पैदा हुए थे क्या? इफ ही इज द डॉक्टर आई क्या बोल रहा था, इसका ऐड क्या है? और यहाँ पे तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन भी हो गया तो क्या हो गया? पेटीएम करो ना दीदी. आज या तो डॉक्टर के पेटीएम में 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे या आपके पति के हाथ में एक लल्ला प्राप्त होगा. मी टेलिंग माई फ्रेंड दैट बिच इज कमिंग.
Time for step mom. Time for step mom. Unless you are neck. Aiji, Krishna or Emmy be. Anji, na dekh. भाई जीसस ने धर्म चेंज कर लिया, दैट्स क्रेजी ब्रो. आई कैन से दैट ना. हाय, गुड इवनिंग. हाय, सो कैन आई, इसको तो देखा देखा लग रहा है. सो कैन वी जस्ट मेकिंग अ वीडियो? यू श्योर? ओके, सो वी आर जस्ट गिविंग चॉकलेट्स टू एवरीबॉडी. इट्स एक्चुअली माय सिस्टर इज प्रेग्नेंट. सो या आई एम गोइंग टू बी अ फादर. इतनी जल्दी अपोलोजाइज क्यों कर लिया इसने? भाई थोड़ा सीरियसली तो बोलता, पंच लाइन के बाद थोड़ा पॉज डालता. अंकुर वारी की तो बहन पंच लाइन से पहले ही फट गई. आंटी का ओनली फैंस भेजो भाई. ले गई ले गई. पीओवी सुहाग. This is me for real, bro. Me for real. Favorite ice cream flavor, fruit and nut. Uski quality walls chaato. To aise chaato that she comes up to you and says, babe, have more. Even Mother Dairy. No, not Mother Dairy. Mother Dairy nahi. Dating slander according to states. Delhi's love. Delhi hai na, ek lota shahar hai. Jahan Iron Man khire aur gajar se zyada darta hai. अगर तेरे को समझ में आ गया ना, वापस कोई कमेंट में मत करना एक्सप्लेन. इफ एनी अथॉरिटी इज वॉचिंग दिस, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है. सिंपल, मैं तो मार्वल का बच्चों वाला जोक मार रहा था. हरियाणवी भाभी नट. दिस इज रितु फोगाट जो तुम्हारी गांड मारने आ रही है, जो सब स्पैम करते हैं ना, वुमेन कप वाला इमोजी. राजस्थान. अरे यार ये फिर वही आ गया. और ये शॉप पे कौन जाता है? मैं तो मेले में जाता था भाई, पड़ोस वाले अंकल के साथ. सच अ नाइस पर्सन ब्रो. जब मुझे डर लगता था ना जायंट व्हील में, वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे और फिर बोलते थे द व्हील इज नॉट द ओनली थिंग जायंट हेयर. गजब कॉमेडी भाई, गजब कॉमेडी. तेरी पैंट पे मुद दू मैं भोड़ी के? अपनी बीवी से दुलवाइयो फिर. नॉर्थ इज आफ्टर यूजिंग हिंदी पिकअप लाइन. This is Zaid Riz. अगर तुम्हारी कोई भी साउथ इंडियन गर्ल है ना, जस्ट गो टू हर एंड से आई वांट टू कम इन योर माउथ. आई मीन गाइस, हियर मी आउट. मुझे सही में मुंबई हो गया, मुझे सही में मुंबई हो गया. अब तो पहले मुझसे स्पाइस टॉलरेंस मेरी कम हो गई और अब इस पे मैं जूम कर रहा हूँ भैंस. मुझे महाराष्ट्र हो गया सही में. जस्ट अ नॉर्मल वे टू डेट इन भोपाल. नो नो ब्रो, स्मैश ब्रो. स्कूल स्टार्ट सेट. आज ऐसी मीम्स कहां से आ रही हैं? ठीक है बढ़िया, यहां पे 90% लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा. सीधा बोल दे परमानेंट छुट्टी चाहिए स्कूल से. तुम लोग सही में स्कूल नहा के जाते थे क्या? कौन नहा के जाता है स्कूल? मैं तो आके नहाता था. रेस्ट इन पीस टू हर मुट्ठी. अबे ओ नेक्रो नेक्रो भाई, तुम ये याद रखना, एनी पर्सन हु हैज पास्ड अवे उस पर मत हिलाना तुम. मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, वो एक जो वो पॉर्नस्टार हुआ करती थी ना जो मर गई थी, मैंने सुना है उस पर ना जिसने फिर हिलाया था ना उसके मरने के बाद, उसको फिर आवाजें आना चालू हो गई थी ऊपर से. फिर मैं ऊपर जाके हिलाने लगा. 16 ईयर ओल्ड बॉय रेप बाय वुमन इन मुंबई. क्या नाम है? सॉरी, रेप मेरी हुई थी. मी आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम दैट जायंट व्हील. वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग बाय नॉर्मैक्स साउंड इजर मैक्स. यो यो, दैट्स अ हिट. मुंबई में हिट है ये. एंड आई गेट कम अप टू बाय दिस. वेट 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 वेट, ये तो वो है ना, मिया जी, मिया जी एंड हिज गर्लफ्रेंड. जरा चरण स्पर्श करने दो. मी क्लिक, कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू? एंड आई लुक्ड अप एट हिम एंड आई एम लाइक, नो, वी आर ईटिंग. And I said it just like that. Like it was a rude way, but it was also very rude. I mean, aise keh sakte the, I'm sorry, I'm eating, but okay. Rude for him to come up while someone was actively right in the middle of a conversation. And after I said that, his girlfriend, who was standing next to him, grabbed him by the arm and said,
I told you that wasn't her. There's not enough on her face. Let's go, babe. It's crazy how she has literally fucked hundreds of dudes. But yaad isko sirf wohi ladki rahegi ab. Londe iske chehre par mark chhodte the, but wo bandi permanent mark chhod gayi. Ab nahi mitne wala wo yaad rahega isko. इसने इनडायरेक्टली कपिल को मोटा बोल दिया, बट ठीक है. सलमान भाई इज लाइक भेड़ की लड़ाई. स्पीक फॉर योरसेल्फ. एग्जाम की तैयारी. अरे ये एग्जाम कुछ नहीं होता. सुबह 5 बजे उठो और मजदूरी करो. इस लड़की ने पूरा रट रखा है, पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट है. तू पढ़ ले वरना तेरी लग गई, तेरा घर नहीं चलेगा. कुछ नहीं भाई, पटना जंक्शन जा रहे हैं. भाई आई एम सो ग्लैड पटना इज फेमस नाउ. पटना इज ग्लोबल. भाई केंड्रा लस ने ट्वीट करा है पटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में. पटना इज ग्लोबल भाई, पटना इज ग्लोबल. इंडिया कीप्स ऑन टेकिंग डब्ल्यूज. पहले आरआरआर ने इंडिया को ग्लोबल कर दिया, अब पटना ने ग्लोबल कर दिया इंडिया को. भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तो थी भी नहीं वीडियो में, तो ये कहाँ से आ गई. भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही एक बार फिर केंड्रा लस ने ट्वीट किया इंडिया. मतलब भाई कुछ भी टिप्पणी नहीं दी, सिर्फ इंडिया लिख दिया. सही है भाई, क्लाउट लेने का सबसे अच्छा तरीका. सच अ पावरफुल लेडी, लव यू इंडिया, वेलकम्स केंड्रा लस. हम इतने फॉरेन वैलिडेशन के प्यासे हैं ना कि कोई भी सिर्फ इंडिया भी लिख देता है ना, हम उसके चरणों में गिर जाते हैं. वेड का रिस्पॉन्स देख. अरे यार मुझे नहीं पढ़ना इस ड्रामे में. माय कैरेक्टर बीइंग कॉल्ड इन द क्वेश्चन बाय टू इंडिविजुअल्स, मैम्स टेलर. KSI. दोनों से मैं मिल रखा हूँ. मैं मैम्स टेलर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा. He was one of the most nicest person when I met him. I said, even though I previously had thought different, I wasn't so sure. Basically, जिनको नहीं पता, he implied कि Jake Paul versus Tommy Fury sells more than KSI versus Jake Paul. Let's be honest, like Tommy Fury और Jake Paul नहीं sell करेगा KSI और Jake Paul से, like not even close. But ये सिर्फ एक opinion था, जैसे मतलब KSI usually करता था ना, मतलब पहले कि हाँ, it's your opinion, fair enough, but I'm gonna disprove you. That's the way to go. KSI saying I was two-faced, that I was playing both sides. And even I genuinely think KSI was just having a bad day. Like KSI ko isse bahut bura bura bol chuke hain log jo pehle beef hui thi, and KSI has just let them slide off. Like it's nothing. Isme pata nahi, ya to kuch behind the scenes kuch hua hai jo mujhe pata nahi hai, ya fir he was just having a bad day. I think it's the latter. Mere ko sabbe thooste hue dekhna hai. Le 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 bhofri. Welcome to Uttar Pradesh. मैं युवा नेता from पतली गली. कोट में हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले पोज में. मैं युवा नेता. तेरी बहन सुझाए. भाई फोन की औलाद. Welcome to Uttar Pradesh. This is gangsters land. We do gangster shit. We are the OGs in this game. Welcome to Uttar Pradesh. गाना बंद कर. मेरे स्लर्पिंग साउंड सुन रहा है. और तू?